सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को दिग्गज पत्रकार एन राम और शशि कुमार की उसी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है जिसमें कथित पेगासस जासूसी कांड की मौजूदा व सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों, राजनेताओं, विपक्षी दलों, पत्रकारों और अदालत के कर्मचारियों की नागरिक स्वतंत्रता को निगरानी में रखा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और दुनिया भर में बड़ा विषय बन गया है और इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। सिब्बल की दलीलों के बाद पीठ ने कहा कि अगले सप्ताह मामले की सुनवाई कर सकते हैं। पत्रकारों के द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि एक सैन्य ग्रेड स्पाईवेयर का उपयोग करके बड़े पैमाने पर निगरानी कई मौलिक अधिकारों का हनन करती है और स्वतंत्र संस्थानों में घुसपैठ, हमला और अस्थिर करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे में महत्वपूर्ण स्तंभ है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र को यह खुलासा करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की कि क्या उसकी किसी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है या कथित रूप से निगरानी करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका इस्तेमाल किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि हैकिंग एक अपराध है जो अन्य बातों के साथ साथ IT एक्ट की धारा 66 यानी कंप्यूटर से संबंधित अपराध, 66B यानी बेईमानी से चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण प्राप्त करने की सजा, 66E यानी गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा और 66F साइबर आतंकवाद के लिए सजा के तहत दंडनीय है। इससे पहले अधिवक्ता ML शर्मा और राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने भी जासूसी के आरोपों की जांच के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।